Hyundai Aura officially हमारे मार्केट पे लॉन्च हो गई है और ये जो कॉम्पैक्ट सेडान स्पेस है यहाँ पे जो है कुछ नयापन लेके आई है। Xcent जो है अभी तक हमारे मार्केट में Hyundai के तरफ से इस सेगमेंट में ऑफरिंग थी जो कि पिछले कुछ वक्त से जो है बहुत ज्यादा कुछ खास सेल्स नहीं कर पा रही थी। हालांकि जो मेजोरिटी सेल्स थे उस कार के वो कैब स्पेस में ज्यादा था। अब फाइनली Aura को Hyundai ने लॉन्च किया है। ग्रैंड आइटन नियोस के ही प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, जैसा कि Xcent ग्रैंड आइटन के प्लेटफॉर्म पे था वैसा ही Aura जो है ग्रैंड आइटन नियोस के प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर आप इस कार को लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो है मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सा वेरियंट जो है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट करते गाइज एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Aura को Hyundai ने टोटली तीन इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया है, एक 1.2 लीटर पेट्रोल, एक 1.2 लीटर डीजल और एक 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि एक नया इंक्लूजन है Hyundai के कॉम्पैक्ट सेडान स्पेस में। जो डीजल इंजन है वो काइंड ऑफ द ओनली डीजल इंजन है BS6 कंप्लायंट अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे Hyundai ने जो है Aura को ऑल टूगेदर चार डिफरेंट वेरियंट्स में लॉन्च किया है। जो बेस मॉडल है वो है E, उसके बाद आता है S, उसके बाद आता है SX एंड देन आता है टी टॉप ऑफ द लाइन SX प्लस वेरिएंट। इसके ऊपर भी एक ऑप्शनल वेरिएंट है SX ऑप्शनल, जिसमें जो है मतलब बस आपको कुछ ही चीजें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर बेस मॉडल में हमें क्या देखने को मिलता है। जो बेस मॉडल है E वो आता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ ही, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर डीजल इंजन के साथ जो है ये वेरिएंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें हमें तमाम सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, पावर विंडोज देखने को मिल जाता है, स्टील व्हील्स है और बॉडी कलर्ड बम्पर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इस वेरिएंट में एज सच ज्यादा कुछ नहीं है। आई एम श्योर कि जो भी इस कार को पर्सनल यूज के लिए लेंगे वो ज्यादातर लोग जो है इस वेरिएंट को शायद ना ही लें। इसके बाद आता है S वेरिएंट, जो कि आपको सारे इंजन ऑप्शंस के साथ मिल जाता है, दैट इज 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर डीजल, CNG और AMT वर्जन के साथ भी जो है ये वाला वेरिएंट अवेलेबल है। अब अगर हम इस वेरिएंट की बात करते हैं तो ये वेरिएंट जो है बहुत ही अच्छे तरीके से फीचर लोडेड दिया गया है, बीइंग अ सेकंड मतलब जस्ट बेस के ऊपर वाला वेरिएंट की अगर हम बात करते हैं तो। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग LEDs मिलते हैं, 14 इंच के व्हील्स मिलते हैं। अगर आप ऑटोमेटिक वर्जन लेते हैं तो आपको वहां पे 15 इंच व्हील्स मिल जाएंगे, लेकिन ये एलॉय व्हील्स के साथ नहीं है, ये दोनों ही व्हील्स जो है स्टील व्हील्स आएंगे। ऑब्वियस सी बात है आपको व्हील कैप्स जो है देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड मिरर देखने को मिल जाएगा, कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट और रेयर दोनों ही जगह जो है आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे और एक 2 DIN ऑडियो सिस्टम है। अब जरूर इस चीज पे गौर करें कि ये 2 DIN ऑडियो सिस्टम है, इसमें आपको टच स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन ब्लूटूथ USB कनेक्टिविटी जो है आपको मिल जाएगा। तो अगर आप ब्लूटूथ टेलीफोनी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस सेगमेंट में जो है आपको इस म्यूजिक सिस्टम के साथ वो चीज देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी जो है इसमें ऑफर किया गया है ऑडियो सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साथ में टिल्ट स्टीयरिंग और ड्राइवर साइड सीट एडजस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जो इसका थर्ड वेरिएंट है SX की। जो SX वेरिएंट है दोस्तों, अगेन ये सिर्फ आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगा। यहाँ पे आपको S वाले सारे फीचर्स मिलते हैं, उसके अलावा क्या खास है चलिए उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसमें आपको रिवर्स कैमरा मिल जाएगा, साथ में आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो कि एक बहुत अच्छी एडिशन है। प्लस जितने भी डोर हैंडल्स हैं वो आपको क्रोम फिनिश में मिलेंगे, शार्क फिन एंटीना आएगा। वहां पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो वहां पे आपको 5 इंच वाला MID मिलेगा, जिसमें जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है। एक चीज जरूर गौर करें कि इसके पहले वाले जितने भी लोअर वेरिएंट्स हैं उसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं देखने को मिलता है। साथ में ही आपको 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। ये जो 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और Hyundai की जो भी कनेक्टिविटी सूट है वो सारी चीजें मिल जाती है। तो मेरा मतलब ब्लूलिंक से नहीं है, बट बाकी जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस हैं वो आपको इस टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में देखने को मिल जाते हैं। ये वही सेम टचस्क्रीन यूनिट है यार जो हम ग्रैंड आइटन नियोस में देखते हैं, वही सेम UI वगैरह, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। साथ में जो साउंड सिस्टम है वो आर्किमिस की तरफ से है।
अच्छी साउंड क्वालिटी देता है ग्रैंड आइटन में, आई एम श्योर कि वही सेम यूनिट जो है यहाँ पे भी यूज किया गया है, और वॉइस कमांड्स एंड रिकॉग्निशन का भी जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसका बटन आपको स्टीयरिंग कंट्रोल में देखने को मिल जाता है। तो जो वेरिएंट है दोस्तों आपको हर एक इंजन ऑप्शन के साथ मिलेगा, यानी कि 1.2 लीटर पेट्रोल डीजल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। यहाँ पे क्या चीज है, देखो SX की जितनी भी फीचर्स है वो तो ऑब्वियस ही बात है हमें देखने को मिलेगा, उसके अलावा हमें देखने को मिलेगा प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, वायरलेस चार्जर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इको कोटिंग, और जो हाईलाइट फीचर्स हैं ऑरा के वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। टर्बो पेट्रोल इंजन लेते हैं तो वहां पे आपको इंटीरियर में जो है शेड्स डिफरेंट हो जाएंगे, वहां पे ब्लैक एंड सिल्वर का आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रिल वगैरह है वहां पे भी आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश मिलेगा, ताकि 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो है वो थोड़ी सी और स्टैंड आउट कर सके एज अ मोर स्पोर्टियर ऑप्शन। अब फाइनली बात कर लेते हैं जो SX ऑप्शनल वेरिएंट है, जिसमें आपको लेदर स्ट्रैप्ड स्टीयरिंग, लेदर रैप्ड गियर नॉब और क्रूज कंट्रोल मिलता है। तो यही जो है मेन 5 वेरिएंट्स है अगर हम बात करते हैं Hyundai Aura की। आपके लिए कौन सा वेरिएंट जो है वो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो सकता है? देखो जहां तक मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो यहां पर फीचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है अक्रॉस वेरिएंट Hyundai ने काफी अच्छा किया है। मतलब आप अगर बेस मॉडल को भी हटा देते हैं, बेस के जस्ट ऊपर वाले मॉडल से जो है आपको काफी सारे फीचर्स ऐसे मिल जाते हैं जो आपके डे टू डे यूजेज में निराश आपको नहीं करेगी। लेकिन फिर भी मैं अगर यहाँ पे कहूँ तो जो SX वेरिएंट है वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेल होगा, क्योंकि जो 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो एक काफी अच्छा इंजन है, काफी रिफाइंड इंजन है, फीचर्स भी यहाँ पे ऑफर किए गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, 18 का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, मतलब सारी अच्छी चीजें जो है आपको इस वेरिएंट में मिल जाती है, और प्राइसिंग भी जो है इस वेरिएंट की काफी कॉम्पिटिटिव रखी गई है। लेकिन वहीं अगर हम देखते हैं वेन्यू के सेल्स चार्ट को, तो वहां पे जो है ये चीज जो है Hyundai के लॉन्च में भी उन्होंने बताया, उनके जो मेजॉरिटी पेट्रोल इंजन के सेल्स हैं वो उनके 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ जो है ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो ये चीज जो है मैं ऑरा के साथ भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ जो है यहाँ पे जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वो भी काफी अच्छे नंबर्स में सेल होंगे। तो यहाँ पे अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए SX प्लस वेरिएंट ही जो है वो सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा, और अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे SX वेरिएंट ही आपके लिए सबसे ज्यादा सेंस बनाएगा। बाकी अगर आप डीजल इंजन वाले हैं तो भैया डीजल इंजन के लिए भी आपके लिए SX प्लस वेरिएंट ही जो है आपका बेस्ट चॉइस रहेगा। तो उसके बाद जो है नीचे उसके कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके लिए सेंस बनाता है, या तो आपको S लेना पड़ेगा या फिर SX प्लस, और इसमें जो है मैं कहूंगा कि थोड़े से पैसे ज्यादा दे दो और SX प्लस ले लो। हालांकि S वेरिएंट भी जो है वो निराश तो नहीं करेगा, बट SX प्लस जो है वो इस डे एंड एज में ज्यादा सेंस बनाता है। दोस्तों मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में कहा है ये बात कि जो बेस्ट वेरिएंट्स होते हैं जिसमें कंपनीज जो है सबसे बेहतरीन फीचर्स अपने सारे हाईलाइट्स जो है ऐड करती हैं वो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स ही होते हैं। लेकिन सारे लोग जो है शायद टॉप ऑफ द लाइन अफोर्ड ना कर पाए, तो वहां पे जो है दोस्तों आपके लिए कई सारे और भी वेरिएंट्स होते हैं और बजट का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो वहां पे तो दोस्तों आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक बजट में बढ़िया वेरिएंट लेने की सोच रहे होते हैं तो वहां पे मेरे को लगता है कि Hyundai Aura के साथ अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं तो SX वेरिएंट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आप डीजल ले रहे हैं तो आपके लिए SX प्लस जो है थोड़ा वाइज ऑप्शन रहेगा, खासकर इस टाइम को अगर हम देखें तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो है बहुत ज्यादा मतलब मांग बढ़ती जा रही है, टर्बो पेट्रोल इंजन में भी जो है SX प्लस ही जो है सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं आपके ओपिनियन कि आपको जो है ओवरऑल वेरिएंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा लगा, और अगर आप ऑरा लेने की सोच रहे हैं तो आप जो है कौन से वेरिएंट को कंसीडर करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें, और जाने से पहले जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज फास्ट सीट बेल्ट एंड ड्राइव एंड ऑलवेज वेयर योर प्रोटेक्टिव गियर्स एंड हेलमेट व्हेन यू राइड, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स।